अस्मा शेख है और मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई दुबई के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो टीचिंग के हवाले से है और ये एक स्पेशल एक रिक्वेस्ट आई थी। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं टीचिंग के हवाले से कोई वीडियो करूँगी, लेकिन अब एक स्पेशल रिक्वेस्ट आ गई जो कि जुहेब अहमद हमारे एक भाई हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो माशाल्लाह वो क्वेश्चंस इतने अच्छे हैं कि वो इस सारे टॉपिक को कवर करते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बेस पे आज की वीडियो करूँगी। पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है कि इफ़ एनीवन हैव बैचलर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स देन दे अप्लाई और नॉट। ठीक है, सबसे पहली बात यह कि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो बेशक आर्ट्स के सब्जेक्ट में है, बेशक साइंस के सब्जेक्ट में है, उसके साथ आपका बीएड होना मस्ट है। ठीक है, ये जहन में रखें कि आपका बीएड होना मस्ट है और बीएड की डिग्री भी आपकी जो है वो अटेस्ट होनी चाहिए एचईसी से और फिर फॉरेन ऑफिस से। ठीक है, और आप अपना बैचलर्स हैं साथ बीएड है तो आप अपना आराम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी बैचलर्स और आपकी बीएड दोनों एचईसी से और फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होनी चाहिए। इंटर और मैट्रिक की आपकी बोर्ड से, आईबीसीसी से और फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ क्राइटेरिया ऑफ लैब असिस्टेंट और अटेंडेंट। ठीक है, अब वो यहाँ पर यूएई में क्या क्राइटेरिया है लैब असिस्टेंट का और लैब अटेंडेंट का, ये भी सुन लें, बड़े गौर से सुनिएगा प्लीज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देने जा रही हूँ और ये मैंने बाकायदा इस पर सर्च किया है। ठीक है, लैब अटेंडेंट के लिए या लैब जो असिस्टेंट होते हैं उनके लिए बैचलर इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, यानी कि उनका जो भी सब्जेक्ट हो साइंस में वो उनका बैचलर होना चाहिए उसमें। उसके बाद उनके पास कोई ना कोई ट्रेनिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद उनके पास फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन इज़ डिज़ायरेबल। ठीक है, उनके पास फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए कि फर्स्ट एड कैसे दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट उनको हर किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डिवाइसेस यूज्ड इन लैब। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग उनकी वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, तो ये बड़े अच्छे से मैंने अब आपको इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट बता दी है असिस्टेंट लैब की। हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन मुझसे ये पूछा है इन्होंने कि रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर असिस्टेंट, जो टीचर्स के असिस्टेंट होते हैं उनका क्या स्कोप है यहाँ यूएई में। तो जो टीचर्स के असिस्टेंट होते हैं वो सिर्फ प्री स्कूल में रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, प्री स्कूल की जो टीचर्स होती हैं या क्योंकि ज़्यादातर फीमेल टीचर्स ही रखते हैं प्री स्कूल में, तो मेल टीचर्स नहीं रखते। ठीक है, तो प्री स्कूल में टीचर्स असिस्टेंट होती हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनकी सिर्फ जस्ट उनके पास उनकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और वो अटेस्टेड होनी चाहिए अगर आप इंडिया या पाकिस्तान या किसी एशियन कंट्री से हैं। अगर आप यूके या अमेरिका से हैं तो फिर आपकी डिग्री की अटेस्टेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो असिस्टेंट टीचर्स जो होते हैं वो सिर्फ छोटे लेवल पे होते हैं, प्री स्कूल में होते हैं, मॉन्टेसरीज में होते हैं, केजीज में होते हैं, हाई लेवल पे ज़रूरत नहीं होती असिस्टेंट टीचर्स की यहाँ पर। और बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही है कि असिस्टेंट टीचर्स जो हैं वो प्री स्कूल में ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा इंटरव्यू टिप्स। इंटरव्यू के बारे में तो मैं बहुत एक पूरी वीडियो बना चुकी हूँ और इंटरव्यू टिप्स यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही बताऊँगी टीचर के इंटरव्यू टिप्स में कि एक तो आपकी कमांड इंग्लिश में होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका बहुत अच्छा आपको आता हो और आप बड़ा कम्प्रीहेंसिव सेल्फ इंट्रोडक्शन दें। और उसके बाद क्वेश्चन किया जाता है आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से, वो आपको पता हो आपका कहाँ कहाँ का एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ की क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, कहाँ कहाँ से कब तक पढ़ा, कब से कब तक कहाँ कहाँ जॉब की। ठीक है, फिर आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी पूछी जाती है, फिर आपसे वीक पॉइंट्स और आपके गुड पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो टीचर्स के इंटरव्यूज़ में इतने लंबे चौड़े नहीं होते, आपकी डिग्री अटेस्टेशन का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखें कि यूएई में टीचर्स की डिग्रीज अटेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनको जॉब नहीं देते यहाँ पे। ठीक है, उनको ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता जब तक उनकी अटेस्टेड डिग्रीज ना देख लें वो। ठीक है, तो ये लाजमी करके आइएगा अगर आप टीचिंग के लिए आना चाहते हैं तो प्लीज़ आपकी सब डिग्रीज अटेस्ट हों। और वो डिग्रीज अटेस्टेशन मैंने बड़े तफसील से एक वीडियो की हुई है, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप आपसे आपके इंटरव्यू होते हैं। जैसे एचआर इंटरव्यू लेता है पहले, उसके बाद डायरेक्टर के साथ आपका इंटरव्यू होता है, फिर आपका तीसरा प्रोसेस आ जाता है डेमो। डेमो का भी आपने पूछा, डेमो ज़रूरी है, यानी डेमो ज़रूरी है। जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने डेमो तैयार करना है। आपने कोशिश करनी है कि इसमें ऑडियो एंड विजुअल एड्स को डालें, आपका लेसन प्लान बहुत अच्छा आपको कमांड हो लेसन प्लान के ऊपर, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप आपका लेसन प्लान। आपने जब डेमो देना है तो आपने जो भी जिस टॉपिक पर भी डेमो देना है आपने एक बहुत अच्छा सा लेसन प्लान तैयार करना है।
टॉपिक का नाम लिखना है, उसके बाद आपने जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके उसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स डालोगे आप, उसके बाद आपके क्या थीम क्या है, एक्सप्लेनेशन कैसे करोगे, कौन से एवीएड्स इस्तेमाल करोगे, ऑडियो एंड विजुअल एड्स कौन सी यूज़ करोगे आप, ठीक है, उसके बाद आपके क्या आउटकम्स होंगे, बच्चों को क्या समझ आएगी, एक्टिविटीज़ कौन सी आप डालेंगे। एक बात मस्ट याद रखिएगा, एक्टिविटीज़ यहाँ पर, एक्टिविटीज़ के पीछे पागल हैं स्कूल्स वाले, बच्चे इंगेज रहे बस, बच्चों को आपने, यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड एजुकेशन है, जैसे कि आप पाकिस्तान में भी राइज हो चुकी है, ठीक है, यानी कि जैसे पहले हम पढ़ते थे स्कूलों में, टीचर लेक्चर दे रहा है, हम बैठ के सुन रहे हैं, अब वो वाली चीज़ नहीं रही, अब बच्चे सब कुछ हैं, ठीक है, बच्चों को खुश करना है आपने, बच्चों को राज़ी रखना है आपने, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है आपने, ठीक है, अगर बच्चे राज़ी हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन राज़ी है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है तो एडमिनिस्ट्रेशन आपसे खुश है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेसन प्लान में एक्टिविटीज़ डालनी है, ग्रुप वर्क है, एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चे इंगेज रहें, तो जो है ना वो लेसन प्लान आपका इस तरह से तैयार हो जाएगा। लास्ट में आपने होम टास्क डाल देने हैं, ठीक है, कंप्यूटर की भी आप हेल्प ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, वैसे कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब जैसे साइंस है, साइंस का सब्जेक्ट बहुत वास्ट है, उसके अंदर तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हम क्लासरूम में भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है साइंस के टीचर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने किया है, कोर्सेज स्टडीड इन दुबई, इन्होंने क्वेश्चन किया है, उसमें ये है कि जो इंडियन स्कूल्स हैं यहाँ पर, या पाकिस्तानी स्कूल्स हैं, वहाँ पर यूके करिकुलम पढ़ाया जाता है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जैसे ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, ब्रिटिश के तो उधर भी यूके करिकुलम ही चलता है, और जो अमेरिकन स्कूल्स हैं वो अमेरिकन करिकुलम चलता है, ठीक है, और इनके बकायदा इनके नाम भी हैं, CBSE और IBSE, ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इनके करिकुलम के नेम्स। तो मतलब जैसे हमने पाकिस्तान में, मैं कॉन्वेंट से पढ़ी हुई हूँ, तो हमने यूके करिकुलम ही पढ़ा था, हमने ऑक्सफोर्ड सिलेबस पढ़ा था, तो अब तो उस वक्त, मतलब जब हम पढ़ते थे तब तो प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम होते थे, ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे बच्चे, तो जब अब जो प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर भी यूके और अमेरिकन हमारे पाकिस्तान में भी आ गए, या इंडिया में भी आ गया होगा, तो इसी तरह यहाँ पर भी दुबई में भी यूके करिकुलम और ब्रिटिश करिकुलम जो है ना वो पढ़ाया जाता है। और अरेबिक स्कूलों में मुझे नहीं पता, क्योंकि अरेबिक स्कूलों में इंग्लिश की इतनी डिमांड नहीं होती, क्योंकि मैंने काफ़ी अरेबिक स्कूलों में CVs देने की कोशिश की है, लेकिन वो मुझे वापस भेज देते थे कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, यू डोंट नो अरेबिक, प्लीज़ ओके गो टू इंडियन स्कूल, तो फिर मैंने इंडियन और पाकिस्तानी और अमेरिकन और ब्रिटिश स्कूल्स में अपनी CVs ड्रॉप की। एनीवेज, उसके बाद आपने पूछा है कि लेक्चर्स आर ओनली इन इंग्लिश या अदर लैंग्वेज, ओनली इन इंग्लिश, ओनली लेक्चर्स आपने जो देने हैं बच्चों को वो सिर्फ इंग्लिश में ही देने हैं, ठीक है, आप साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, आपने लेक्चर इंग्लिश में ही देना है, क्योंकि इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, यहाँ पर इंग्लिश ही चलती है। जो इन्होंने पूछा है कि सर्टिफिकेट फॉर टीचिंग इज़ मस्ट, ऑब्वियसली अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपके पास एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, एक्सपीरियंस आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो आप ज़रूर लेके आएँ अपने साथ, और ऑब्वियसली जो स्कूल आपको सर्टिफिकेट देगा उसकी स्टैम्प तो लगी ही होगी उसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर UAE का एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज कर रही हूँ कि यहाँ पे जॉब नहीं मिलती, जॉब मिल जाती है, लेकिन टीचिंग की जॉब मिलना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि टीचिंग की जॉब जो है वो एक तो डिग्रीज की बात आ जाती है, दूसरा ये कि मैं इसलिए भी पाकिस्तानी लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, इंडियंस तो हैं ही हैं, इंडियंस की तो यहाँ पे भरमार है, इंडियन आएंगे तो इंडियन स्कूल्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडियन इंडियन को प्रेफर करते हैं, ये मैं खुलेआम बात आज करूँगी, और इंडियंस अगर जो देख रहे हैं, अगर वो माइंड कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन ये बात सच है कि इंडियन इंडियंस को प्रेफर करते हैं, बिकॉज आई एम पाकिस्तानी एंड आई हैव फेस्ड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, अगर मेरे साथ एक इंडियन कैंडिडेट था तो उसको रख लिया गया, मुझे नहीं रखा गया, ठीक है, और यही चीज़ मैंने फील की, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी लड़कियों को, और मेरा पैगाम है आज स्पेशल आज की वीडियो में, कि वो भी निकलें, वो भी काम करें, यहाँ पर आएँ, पाकिस्तानी गर्ल्स यहाँ पर बहुत कम हैं स्कूल्स में, स्कूल्स की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरा टीचिंग टॉपिक है, ठीक है, बाकी जगहों पर अगर पाकिस्तानी गर्ल्स काम कर रही हैं तो वो कर रही हैं, रिसेप्शनिस्ट के लिए कर रही हैं, या फ्रंट डेस्क के लिए कर रही हैं, या होटल में कैशियर हैं, लेकिन स्कूल्स में मैंने पाकिस्तानी लड़कियां बहुत कम देखी हैं, हैं ज़रूर हैं,
लेकिन बहुत कम देखी हैं। तो पाकिस्तानी गर्ल्स को मेरा स्पेशल मैसेज है, जो टीचर्स हैं और टीचिंग करना चाहती हैं और वो लायक हैं और वो बीकन हाउसेज और सिटी स्कूल्स और इन इस तरह के लेवल के स्कूल्स में पढ़ा रही हैं, तो वो क्यों नहीं निकलती? वो भी आए ना, वो यूएई आए, इंटरनेशनल मार्केट में आके अपना अपने आप को देखें कि मैं यहाँ पे कैसे फिट आती हूँ। ठीक है, तो यही आज का मेरा ये टॉपिक था और मुझे लगता है कि मैंने जुहेब अहमद मैंने बहुत अच्छा सा इसको कवर कर लिया है। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। की तरह यही कहूँगी एंड पे कि अगर आपको आज की मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, प्रोडक्टिव लगी है, कंस्ट्रक्टिव लगी है और आपको बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन मिली है और मज़ीद आप चाहते हैं कि मैं और भी आपके लिए वीडियोस बनाऊँ अच्छी अच्छी और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, तो मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, थम्स अप करें, शेयर करें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो। मुझे दुआओं में याद रखें, फसी खान को दुआओं में याद रखें, हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखें। थैंक यू, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय।